नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी रावत। लक्ष्मी वेज किचन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई और सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी हम फटाफट बना लेते हैं। तो चलते हैं अपने रेसिपी के पास। तो चलिए दोस्तों, होली का त्यौहार आने वाला है दोस्तों, और सभी के घरों में आलू के चिप्स पापड़ बनना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आलू के चिप्स का रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आलू के चिप्स बनाना बताती हूँ। आलू का चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो आलू लिया है। अब इसे हम अच्छे से छील कर धोकर अच्छे से चिप्स काट लेते हैं। तो देखिए, मैंने 2 किलो आलू का चिप्स काट लिया है। इसे अब 3 से 4 पानी में अच्छे से धुल लेते हैं ताकि इसका मार जो है निकल जाए अच्छे से। तो देखिए, मेरा चिप्स अच्छे से कट गया है। इधर हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है दोनों तरफ, क्योंकि हम 2 कलर का चिप्स बनाएंगे, एक सादा और एक ऑरेंज कलर का। तो हमारा कढ़ाई वाला पानी गर्म हो गया है, अच्छे से खौलने लगा है। अब इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। देखिए, पानी खौल गया है। अब इसमें हम चिप्स को डाल देते हैं, क्योंकि हमने चिप्स को अच्छे से 3 से 4 पानी में धुल कर रख लिया है। देखिए, हमारा चिप्स एकदम वाइट कलर का है। तो देखिए, अब हम चिप्स को डाल दिए हैं। अब हम दूसरी तरफ पतीले में नमक डालेंगे। इधर भी पानी खौलना शुरू हो गया है, इसमें भी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर। आप चाहे तो सादा ही बना सकते हैं, लेकिन कलर वाला चिप बनाने से भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। खाने में कोई टेस्ट में बदलाव भी नहीं होता है, बस ये देखने में अच्छा लगता है बस। अब इसमें हम आलू के चिप्स को डाल देते हैं। तो दोनों तरफ हम बराबर हिस्से में आलू को बांट लिया है। तो मैंने 2 किलो आलू लिया था, तो 1 किलो का कलर वाला बना रही हूँ और 1 किलो का मैं सादा वाला चिप्स बना रही हूँ। तो अब इसे भी अच्छे से पका लेते हैं। ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि चिप्स कितना पकाया जाता है। तो इधर मेरा अच्छे से पक गया है। मैं 5 या 6 मिनट ही पकाती हूँ, क्योंकि मैं जब पानी खौलने लगता है तभी मैं आलू को डालती हूँ, तो इससे ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ता है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है दोस्तों आलू का चिप्स बनाना। अब इधर भी हम देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे चिप्स का। तो ये भी पक गया है, तो इसे भी हम थाली में निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने दोनों पापड़ को एक साड़ी पे अच्छे से सुखवा दिया है। तो देखिए, हमारा पापड़ सूख गया है, 2 दिन में सूखा है दोस्तों। तो अब मैं इसे फ्राई करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि कितना अच्छा चिप्स हमारा बना हुआ है आलू का। तो हमने तेल को गरम कर लिया है। अब इसमें हम आलू के चिप्स को डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा चिप्स हमारा बना हुआ है, कितना अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो दोस्तों, आज के मेरे आलू के चिप्स की रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं इसी तरीके से न्यू और सिंपल सी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।